हेलो लिफ्ट प्लीज। गई नौकरी पानी में, घर जाके सो जाता हूँ। हेलो एक्सक्यूज मी, इधर देखो। हाँ हाँ तुम ही। लिफ्ट चाहिए? हाँ आ जाओ। ओके थैंक यू। आई लाइक योर डिग्निटी ऑफ लेबर। थैंक यू। रेड कलर की साड़ी पहनी है, मेरे लिए ये कलर बहुत लकी होगा। थैंक यू गॉड। यहीं पे बस यही ना। थैंक यू। हाँ थैंक्स। बाय बाय बाय। अभी भी 10 मिनट बचे हैं, ये जॉब तो मेरी है। लिफ्ट भी यही है, लेट्स गो। एक मिनट। थैंक यू। वाओ, लगता है आजकल आप डाइटिंग कर रहे हैं। ये लिफ्ट ऊपर जा पाएगी ना? हे रुको रुको। एक मिनट। इतनी जल्दी क्या है, ऊपर का नाश्ता बट रहा है। रुक जाना, लेडीज फर्स्ट। लिफ्ट पहले से ओवरलोड है। नारी को सम्मान और लिफ्ट में जगह ना देना पाप है। यू कम प्लीज। थैंक यू। अरे मेरे सर्टिफिकेट्स। एक नारी को लिफ्ट देने का नतीजा देख लिया ना तूने? रुक। अबे लकी, नौकरी चाहिए तो भाग। नौकरी का सवाल है लकी, 10 बजे तक पहुंचना है। भाग जल्दी भाग। अरे म्याऊ, ये क्या हो गया? व्हाट इज दिस? मैं जोश में 7वें फ्लोर के बजाय 8वें फ्लोर पर आ गया। चल लकी, रिवर्स गियर। यस, मेरा डाउट करेक्ट निकला। तुमने देखा ना, तुम दुनिया के किसी भी घड़ी के हिसाब से टाइम पर नहीं आए हो, सो तुम्हारी लैक ऑफ पंक्चुअलिटी में तो कोई डाउट नहीं रहा। हेलो गुड मॉर्निंग म्याऊ। बॉस सुनिए, सूरज समर में 6 बजे और विंटर में 7 बजे राइज होता है। हर शहर में सनराइज और सनसेट का टाइम अलग अलग होता है। सूर्य देव भी अपने टाइम के पंक्चुअल नहीं है। अब मैं तो एक आम इंसान हूँ, तो क्या मेरा बॉस तुम्हारा टाइम पंचिंग करेगा? सर आपके बॉस को तकलीफ क्यों देनी है? कल से मैं टाइम पे आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता, इसलिए ये जॉब मैं उस लड़की को दे रहा हूँ। इस लकी का लक छीनने वाली कौन सी लकी लड़की है सर? That pretty girl with a glowing face. मेरी नई गर्लफ्रेंड। आ जाओ ना, मैं ड्रॉप करती हूँ। वो स्क्वायर में अच्छा लगेगा। हाँ मैं वही कह रही थी। हेलो गुड मॉर्निंग म्याऊ, प्लीज वेकेट दिस एरिया प्लीज। हाँ सर, आपने तो मेरी वाइफ को ही जॉब दिया है। क्या वाइफ? वाइफ डाउट है। हेलो बॉस म्याऊ, जॉब मुझे दे दीजिए या मेरी वाइफ को दीजिए। डाउट। क्या तुम सच में हस्बैंड वाइफ हो? क्या कहा, हस्बैंड? ये हस्बैंड नहीं, रबर बैंड है। ए वाईफाई की जगह वाइफ का कनेक्शन बना रहा है। ऑफिस में वाईफाई कनेक्शन तो है नहीं। ओह लव एट फर्स्ट साइट राइट? नो, मैरिज एट फर्स्ट साइट। मैरिज एट फर्स्ट साइट? यस, बिना जॉब के मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा था। पॉजिटिविटी का चार्जर बनकर तुमने मुझे रिचार्ज कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। बाय चांस तुमने भी यहीं अप्लाई किया। मैंने इंटरव्यू दे दिया लेकिन जॉब तुम्हें मिल गई। आज सुबह अपने स्कूटर पर मुझे लिफ्ट दे दी और मैंने ऑफिस के लिफ्ट में तुम्हें जगह दे दी। आज पता चला लाइफ इज सो ब्यूटीफुल, इट इज नथिंग बट डेस्टिनी। ये डेस्टिनी का लेक्चर ना डस्टबिन में डाल। इस पॉजिटिव पद्मा को पाना इज इम्पॉसिबल। किसी ने कहा है पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। ये सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी का ऑफिस है या फिर मैरिज ब्यूरो है? आई डाउट। हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं, शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त निकालना होगा। तुम शादी की तैयारियां करो। ओके डैडी। अरे मालिक, गाल से खून निकल रहा है। मेरे गाल कटने की बात नेगेटिव है, मेरा गला नहीं कटा, ये बात पॉजिटिव है। पॉजिटिव सोचो। समझ गया। क्या सच में ससुर जी? हाँ? जो घर आपने दिया था वो इलीगल बता के तोड़ दिया सरकार ने। हमारा घर टूटा ये नेगेटिव है, पर हम वहाँ नहीं थे ये पॉजिटिव है। सही कहा ना पापा? डैडी आज पॉजिटिव पद्मा बहुत नेगेटिव मूड में है, क्या बात है? एक सिरफेरा मुझसे शादी करने के लिए मुझे इरिटेट कर रहा है। उसने तुमसे सिर्फ शादी के लिए ही तो पूछा है, स्वागत के लिए नहीं पद्मा। पॉजिटिव सोचो। इनका पॉजिटिव सुन के मेरा बीपी नेगेटिव होने लगा है। नहीं डैडी, उसका तो मैं मर्डर कर दूंगी। पद्मा 5 मिनट पद्मासन करो, मन को बहुत शांति मिलेगी।
इन सारी मायाओं से दूर होकर तुम ऋषिकेश पहुंच जाओगी। ये आवाज कितनी पॉजिटिव है। हो सकता है वो तुमसे सच में शादी करना चाहता हो, इसीलिए तुम पॉजिटिव रहना भूल गई। मुझे डाउट है कि मछली को ठंडे पानी में ठंड लगती होगी। मुझे ये डाउट है कि आपको हर बात पे क्यों डाउट होता है। I don't think you are qualified to counter my doubt. ऐसा डाउट है। सेमीफाइनल हारने पर भी टीम फाइनल खेलने की जिद करे, वैसे सिलेक्ट ना होने पर भी कोई जॉब करने आ जाए तो डाउट तो बनता है। खुद पूछ लीजिए। आओ देखते हैं। हेलो मिस्टर। हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाइफ की मदद करना हस्बैंड का फर्ज है। वाइफ? किसकी वाइफ? नॉनसेंस। नो प्रॉब्लम, मुझे हस्बैंड कह सकती हो। गाइस गाइस गाइस, रात भर मुझे डाउट होता है कि मैंने अलार्म ऑन किया कि नहीं। सुबह सुबह मैं टूथब्रश की बजाय शेविंग क्रीम से तो अपने दांत नहीं घिस रहा हूँ ना, ये डाउट होता है। एंड राइट नाउ मैंने अपनी पैंट के अंदर अंडरवेयर पहनी है या फिर लंगोट पहना है, ये मुझे डाउट है। मिस्टर मिस्टर मिस्टर, आज रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था तो वो बच गया या मर गया, ये मुझे डाउट है। माइंड में डाउट, बॉडी के अंदर डाउट, बॉडी के बाहर डाउट, इस सब के बीच और एक डाउट मत बढ़ाओ। तुम यहाँ जॉब करने आए हो या वाइफ के साथ जॉब शेयर करने आए हो, ये बताओ। शेयर करने आए हो, करेक्ट ना? हेलो, ये शेयर ऑटो नहीं है जहाँ शेयर करोगे। आउट राइट नाउ। मैंने अपना दिल तुम्हें दिया है, तुम्हारे दिल में बस थोड़ी सी जगह दे दो। हमारी शादी कहाँ करनी है वो जगह मैंने ढूंढ ली है। मैंने तो अपने डबल बेड पर भी तुम्हारी जगह फिक्स कर ली है। ट्विंस के लिए ट्राई करें? ये सॉफ्टवेयर कंपनी है या कोई लवर्स पॉइंट, ये मुझे डाउट होने लगा है। लोग पहले लव के लिए प्रपोज करते हैं, तुम तो अजीब हो, सीधे मैरिज पे पहुंच गए। सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सॉरी, याद है क्या कहा था? नॉट लव, मैरिज एट फर्स्ट साइट। गेट आउट। आज बीवी गुस्से में है, पर्पल ड्रेस पहन के बिल्कुल बैंगन की तरह चमक रही है। आई विल मीट यू लेटर। ओह मिस्टर मिस्टर, फ्लावर सुन के एक डाउट जागा। प्लीज हां प्लीज, इस डाउट को अपने दिल में ही दबा दो। वरना सिग्नल देगी, मुझे डाउट है। इस बार तो मुझे भी डाउट है। तुम मुझे सिग्नल दोगी? या भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन ले। तुम यहाँ? हेलो गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। हेलो हेलो, क्या है? जैसा तुमने कहा था मैंने ग्रीन ड्रेस बिल्कुल भी नहीं पहनी है। ये देखो वाइट है, ये लव नहीं लस्ट है। डोंट फॉलो मी। हेलो हेलो हेलो, ए म्याओ म्याओ। आज पॉजिटिव पद्मा इतना नेगेटिव रिएक्ट क्यों कर रही है? तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचना ही एक तरह से मेरे लिए पॉजिटिव हो गया है। शिवा 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 शिवा। जब तक इंसान नेगेटिव नहीं सोचेगा पॉजिटिव काम कैसे करेगा? सबसे पहले फायर ब्रिगेड बनाने वाले को पहले आग के बारे में सोचना पड़ा होगा। नेगेटिव पॉजिटिव की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। ना मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और ना मेरी किस्मत मिलवाना चाहती है, समझे? गुड बाय। क्या बात है, ग्रीन ड्रेस में क्या लग रही हो? ओ पॉजिटिव मियाओ, अब तो भगवान और किस्मत ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मैरिज इज अ मेड इन हेवन। इस मंगलवार को बहुत अच्छा मुहूर्त है, कहो तो उसी दिन मंगल सूत्र पहना दूं। Yeah, the UK sound. What a wicked style. People, they drive me crazy. गुस्सा क्यों हो रही हो? शुक्र करो कि मैं चुप हूँ, वरना कब का पुलिस में कंप्लेन कर चुकी होती। तुम पर दया करके तुम्हें जाने दे रही हूँ। दया करके शादी भी कर लो। नो प्लीज, एक पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव बनाने की कोशिश मत करो। ठीक है, अलग हो जाते हैं। अलग होने से पहले एक कहानी सुननी होगी। ओके, बको। बहुत पहले रत्नागिरी में एक राजा था जिसका नाम था रत्न बाबू। उस राजा के 9 बेटे थे।
नौ नहीं उसके सात बच्चे थे। राजा में काफी स्टैमिना था और रानी काफी कोऑपरेटिव थी तो। ओके ओके समझ गई, यू कंटिन्यू। उसके नौ बच्चे दो बार शिकार करने निकले, बड़े भाई ने नौ शेर शूट किए, छोटे भाई ने एक चीते को शूट किया, बाकी भाई फिसद दे निकले। उन्होंने छह खरगोश, आठ बंदर, छह भालू, सात हिरन, आठ लंबे जिराफ और नौ गेंडों को शूट किया, पर जानती हो शिकार में एक भी गोली नहीं चलाई, कैमरा से शूट किया। आज रत्नागिरी की कहानी सुनाई, कल शोलापुर की सुनाऊंगा। अरे एक सेकंड, ये झूठी कहानियां मत बनाओ। गुड बाय। हेलो म्याओ म्याओ, इस कहानी में लकी का फोन नंबर छुपा है, घर जाके इसे आराम से डिकोड करना। मेरी जूती भी डिकोड ना करे। आंखें बंद करते उसकी आवाज गूंजती है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं करूंगी। नहीं करोगी? ये तो तुम्हारे बस का ही नहीं है। पद्मा को चैलेंज कर रहा है, समझता क्या है? अभी डिकोड करती हूँ। उसके नौ बेटे थे, दो बार शिकार किया था। बड़े भाई ने नौ शिकार मारे, एक ने चीता मारा, छह खरगोश, आठ बंदर, छह भालू, सात हिरन, आठ जिराफ, नौ गेंडे, 9291686789। यस, आई क्रैक्ड इट। यस, क्या ये उसी का नंबर होगा? एक बार चेक करना चाहिए। हेलो। हेलो, हु इज दिस? पद्मा, पॉजिटिव पद्मा। मैंने डीकोड करके तुम्हारा फोन नंबर ढूंढ निकाला। और ऐसा तुमने क्यों किया? ज्यादा उड़ो मत, अपनी इंटेलिजेंस प्रूव कर रही हूँ, समझे? इंटेलिजेंस नहीं, इमोशंस। मेरे बारे में सोच रही थी ना? नो। हेलो, गुड मॉर्निंग म्याओ म्याओ। जो बात आज तुम कह नहीं पाई, वो बात तुम्हारी पॉजिटिव आंखें पहले ही मुझसे कह गई हैं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ पद्मा, और मैं जानता हूं तुम इस मुलाकात से मना नहीं करोगी। यस, कल सुबह ईगल वीजा। सिर्फ 500 और हजार के नोट्स को ही नहीं, तुम्हें भी बैन करना चाहिए। वो क्यों? तुम पर जिसकी एक नजर पड़ जाती है उसका अपने आप एक्सीडेंट हो जाता है। बिना फ्लर्ट के लड़की पटती नहीं है। वैसे पद्मा, अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दिया? मेरे घर वाले मेरी किसी बात से इनकार नहीं करते। पॉजिटिविटी मेरे घर वालों के संस्कारों में है। जब मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया कि तुम बेरोजगार हो, निठल्ले नल्ले हो, कुछ नहीं करते, दिन भर आवारागर्दी करते हो, तो मुझे लगा घर वाले मना कर देंगे। पर पता है, मेरी फैमिली ने इस रिश्ते के लिए झट से हाँ कह दी। ओह थैंक गॉड। लेकिन घर में एक सर्वेंट है। मतलब नौकर? वो तैयार नहीं है। एक्चुअली उसकी वजह यह है कि जब उन्होंने जॉब के बारे में पूछा तो डैडी ने तुम्हारी जॉब को बहुत ही सीरियसली ले लिया। तुम उस नौकर को नौकरी से निकाल दो। उन्हें जॉब से निकालने से बात नहीं बनेगी, तुम्हें जॉब ढूंढनी होगी। लकी, ये पंखा हवा देने के लिए दिन रात मेहनत करता है ना, तो फिर तुम हार्डवर्क क्यों नहीं कर सकते? प्राइम मिनिस्टर बनने को थोड़ी कह रही हूँ। और कुछ नहीं तो कम से कम पिज्जा बॉय तो बन सकते हो, उसके बाद हम दोनों शादी कर। लकी, योर ऑर्डर मैडम। लकी, ऑर्डर देते ही ऑर्डर लेने आ गए। तुम्हारे प्यार में सिर्फ पिज्जा बॉय ही क्या, जरूरत पड़ी तो भिखारी भी बन जाऊंगा। सॉरी, पिज्जा बॉय की जॉब। ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट।